अपने इमोशंस को ओवरकम करना सीखो, अपने इमोशंस को पावरफुल मत होने दो। इमोशंस भी दो तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये जो इमोशंस उस एज में पैदा होते हैं अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में, जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं उसमें ना लेट गो मत करो। मतलब ये नहीं होना चाहिए इमोशंस में बह जाओ, कंट्रोल करो उसको। वो ऐसा नहीं है कि बस उसी के साथ जिंदगी बितानी है और वही है मेरे लिए सब कुछ। कहीं तो मेरा सोना, मेरे बापू ने खाना खाया, कहीं तो इतने इमोशन में कैरिड आउट हो जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं। मेरे सोना ने खाना खाया, जब तक तो खाना नहीं खाएगा मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अरे क्या चल रहा है भाई, काहे परेशान हो रहे हो तुम और तुम्हारा वो। ऐसा चलता है, बहुत बार होता है और मैंने देखा है। अच्छा तुमने खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्या नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे कहा भैया, भूख लगे खा लेगी, तुम काहे परेशान हो रहे हो। इतने इमोशन में कैरेट भी मत हो जाओ भाई। नो मैटर द सिचुएशन, नेवर लेट योर इमोशंस ओवर पावर योर इंटेलिजेंस। दिमाग से काम लो, सिचुएशन भूख लगी अपने आप खा लेगी। थिंक प्रैक्टिकली, सिंपल सी बात है, भूख लगी तो खाना खाएगी, भूखी थोड़ी मर जाएगी। भूख नहीं लग रही होगी, खाना नहीं खाया होगा, सिंपल सी बात है। तो इतने इमोशन मत हो उन चीजों को लेके।